जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज से द फ्रीडम पर एक खास, बहुत ही खास श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद सिंह आजाद इस श्रृंखला का नाम है। यह श्रृंखला केंद्रित है उधम सिंह पर, अमर शहीद उधम सिंह, जिन्होंने पंजाब के पूर्व डिप्टी गवर्नर फ्रांसिस ओ डायर को मारा था। लंदन में जाकर के सरेआम भीड़ में, और फिर उन्हें इसके एवज में उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। आज 31 जुलाई को उनका शहादत दिवस है। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई थी, और इसलिए आज से यह श्रृंखला शुरू की जा रही है। यह श्रृंखला इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि फिल्मों में तो कई बार हम लोग उधम सिंह को देख चुके हैं, उनके कई रूपों को देख चुके हैं, लेकिन यह श्रृंखला बहुत खास इसलिए होने जा रही है कि इसमें दस्तावेजों के हवाले से सारी बातें की जाएंगी। दस्तावेज और जो फिल्मों में दिखाई गई बातें हैं, या जो इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर या सस्ती किताबों में जो बातें कही गई हैं, दोनों में बहुत अधिक फर्क है। उन फर्क को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि जालियांवाला बाग से उधम सिंह का क्या संबंध था, भगत सिंह से उधम सिंह का क्या संबंध था, आखिर उन्होंने ओ डायर को ही क्यों मारा, शहीद उधम सिंह के शुरुआती दिनों की कहानी क्या है, इंग्लैंड तक कैसे पहुंचे, बाकी कितने दिनों तक कहां कहां रहे उनको, और वो उधम सिंह कब कब गिरफ्तार हुए, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे इस श्रृंखला में। आज इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं 13 मार्च 1940 का वो दिन जब उधम सिंह ने डायर को मारा था। दस्तावेजों को लेकर के एक और चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पहले इसलिए जो बातें कही गई हैं उनमें बहुत सारी बातें मिलावटी है, क्योंकि दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जब उधम सिंह को सजा सुनाई गई थी इंग्लैंड में, तो सजा के साथ ही जज ने यह भी एक निर्देश दिया था कि उधम सिंह ने जो भाषण दिया है अदालत में, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए और इसे कठोरता से पालन किया गया, उनकी बातें सामने नहीं आ सकी। अब जाकर के हम लोग इस श्रृंखला में देखेंगे उस दौरान जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, अपने ढेर सारे जो नाम बदले हैं, उन्होंने पासपोर्ट अपना बनवाया है, और फिर अदालत में उन्होंने जो भाषण दिया है, पुलिस के समक्ष भाषण दिया है, जो FIR में दर्ज है, जो उनके डेथ वारंट पर है, वो सारी चीजें इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे। इन गुप्त दस्तावेजों के बारे में और भी मैं बता दूं कि 1958 में इंग्लैंड की सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि 2016 तक उधम सिंह के मुकदमे से संबंधित सारे दस्तावेज गुप्त रखे जाएं, सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। 2016 आने से पहले ही 1965 में फिर से एक आदेश जारी हुआ कि 2040 तक, यानी 2040 तक ये सारे दस्तावेज गुप्त रखे जाएं। याद रखिए, अभी 2024 चल रहा है और 2040 तक गुप्त रखने का आदेश दिया गया था। उनमें से 5 फाइलें अब तक सार्वजनिक हुई हैं। 4 फाइलों को पहले सार्वजनिक किया गया। जून 1997 में शहीद उधम सिंह वेलफेयर ट्रस्ट और इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन, इन लोगों की मेहनत से 4 फाइलें पहले सार्वजनिक हुई, और एक और फिर फाइल जो इस मुकदमे से संबंधित है उसे ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक किया। तो इसलिए अब ये बातें सामने आई हैं। हम लोग इस श्रृंखला में देखेंगे कि कौन सी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। वह दिन था 13 मार्च 1940 का, बुधवार का दिन था। शाम 3 बजे से एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक कैक्सटन हॉल, कैक्सटन स्ट्रीट, वेस्टमिंस्टर में एक कमरे में हो रही थी, जिसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी, 3 बजे शाम से यह बैठक रखी गई थी।
जिस रूम में यह इस बैठक का आयोजन किया गया था उसकी क्षमता थी 120 से 130 लोगों की, लेकिन 150 से अधिक लोग जमा हो गए थे। इसका परिणाम यह है कि बहुत सारे लोग खड़े होकर के उस बैठक को सुन रहे थे। एक परिचर्चा, एक गोष्ठी की तरह वो बैठक हो रही थी, बैठक नहीं कहिए बल्कि गोष्ठी या परिचर्चा ही कहिए। और उस परिचर्चा का विषय था अफगानिस्तान प्रेजेंट पोजिशन, अफगानिस्तान की वर्तमान दशा। इस विषय पर वहां विशेषज्ञ, उस विषय के जानकार लोग जमा हुए थे बोलने के लिए और सुनने के लिए। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक जो संस्था थी रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी, इसके बारे में ये जान लीजिए कि 1901 में ही ये संस्था बनी थी। एडवर्ड सप्तम ने इसकी स्थापना की थी और इसमें एशिया, सेंट्रल एशिया को लेकर के या एशियाई और क्षेत्रों को लेकर के भी नाम था, नाम में इसका दर्ज है सेंट्रल एशिया, लेकिन और भी इसके इलाकों को लेकर के करीब करीब पूरे एशिया ही कह लीजिए इसमें चर्चा होती थी। खासतौर पर भारत के इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनके बारे में अधिक चर्चा होती थी और जो वहाँ के विशेषज्ञ होते थे वो इन पर बात करते थे। तो ये रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी जिसने इसका आयोजन किया था, बाद में इसका नाम बदल करके रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स कर दिया गया था। लेकिन जिस समय ये घटना हुई है यानी 1940 में इसका नाम रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी ही नाम था और इस कार्यक्रम का ये संस्था आयोजन कर रही थी। दस्तावेज बताते हैं कि दोपहर से शाम तक के लिए जिस कमरे की बुकिंग की गई थी उसमें उसका किराया के रूप में 1 pound 7 shillings और 6 pence का भुगतान किया गया था। आप अभी भी कहीं पर जैसे कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ रूम बुक करते हैं या हॉल बुक करते हैं तो उसका किराया होता है, तो उसी तरह से कैक्सटन हॉल में भी जो कमरा, कैक्सटन हॉल एक बड़ी बिल्डिंग थी उसमें ढेर सारे कमरे थे। और ये भी जान लीजिए कैक्सटन हॉल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कैक्सटन नाम विलियम कैक्सटन के नाम पर रखा गया था, उनकी याद में रखा गया था। पहला अंग्रेजी प्रेस की स्थापना उन्होंने की थी 1476 में और ये माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग है कैक्सटन बिल्डिंग, इसी के आसपास उन्होंने वो स्थापना की थी। तो इस बिल्डिंग का नाम उनके नाम पर और इस सड़क का भी नाम कैक्सटन स्ट्रीट उन्हीं के नाम पर किया गया था, विलियम कैक्सटन के नाम पर। इस बिल्डिंग में विवाह हो, रिसेप्शन, गीत संगीत, छोटी मोटी पार्टी, बर्थडे वगैरह या फिर इस तरह के परिचर्चा, इन चीजों के लिए इस बिल्डिंग के कमरे को बुक किया जाता था। जिस कमरे में ये आयोजन हो रहा था उस कमरे का नाम था ट्यूडर रूम और ट्यूडर रूम की लंबाई चौड़ाई जो दस्तावेजों में है या अभी वो बिल्डिंग है वहाँ पर वो कमरा है संभवतः, तो उसकी लंबाई चौड़ाई दस्तावेजों में अंकित है 42 feet by 23 feet, यानी 42 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा वो कमरा था कैक्सटन हॉल का, जिसमें ट्यूडर रूम जो था जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा था। अब यहाँ पर ये ख्याल रखिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिल्मों से या सोशल मीडिया के कारण उधम सिंह के बारे में गलत जानकारी है, उस पर हम लोग एक अलग से खास वीडियो बना लेंगे जो उधम सिंह के बारे में जो बातें प्रचलित हैं लेकिन सच नहीं है। लेकिन अभी एक बात फिलहाल जान लेना जरूरी है वो, और वो ये बात है कि उधम सिंह के पास कोई टिकट नहीं था, सच ये है, और उसमें एंट्री टिकट पर था। फिल्मों में आमतौर पर यह दिखाया जाता है कि उनके पास टिकट था और वो आसानी से घुस गए, ऐसा नहीं है। उनको प्रवेश करने में दिक्कत हुई थी, एंट्री में दिक्कत हुई थी, लेकिन एक अंग्रेज महिला ने दयालुता के आधार पर कि कोई आदमी आया है, एशिया का ही आदमी है और वो सुनना चाहता है, एक अंग्रेज महिला ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, होता है को ना कि कोई विशेष VIP आदमी है तो चलो दूसरे को भी घुसा दिया, नो एंट्री, एंट्री पास नहीं है तो भी, तो इसी तरह से उसने घुसा दिया था। और उधम सिंह आगे बढ़े, दाहिनी तरफ उस हॉल में जो कुर्सियां सजाई गई थी दोनों तरफ, तो ये बीच से गए हैं और दाहिनी तरफ आगे की पंक्ति से थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल आगे की पंक्ति में ये नहीं बैठे हैं और थोड़ी सी आगे की पंक्ति से थोड़ी दूरी पर ये रह जाते हैं दाहिनी तरफ एक जगह पर। अब वहां बैठते हैं या खड़े रहते हैं ये दस्तावेजों में अंकित नहीं, लेकिन जगह ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं का मतलब बैठ भी सकते हैं, खड़ा भी हो सकते हैं, चूंकि आगे उस समय तक जगह मिलना मुश्किल था। आपको मैंने कहा है कि 130 आदमी के की जगह थी उस हॉल में, कुर्सियां थी 130 आदमी के लिए और
150 से अधिक आदमी, कम से कम 150 आदमी जमा हो गए थे, जिसके कारण कई लोग खड़े थे। आप लोग एक और ये तस्वीर देखिए, ये उधम सिंह के केस में ही ये नक्शा बनाया था पुलिस अधिकारियों ने इस केस में सुनवाई के लिए, कि कहां पर कैसे कैसे सजाया गया था, किस तरह से कुर्सियां रखी हुई थी और कैसे कहां पर मंच बना हुआ था। तो इस नक्शे को आप देखिए, ये दस्तावेज है, ओरिजिनल दस्तावेज जो उधम सिंह के मुकदमे में अदालत में पेश किया गया था नक्शा बना करके, कि इस तरह से बैठक की व्यवस्था की गई थी, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, या पूरे कार्यक्रम में वक्ताओं और दर्शकों श्रोताओं के लिए इस तरह से व्यवस्था की गई थी। इस फोटो को देखिए, आप इस फोटो में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है इमरजेंसी एग्जिट है, आप देखेंगे कि इधर मंच बना हुआ है, सबसे ऊपर टेबल लिखा हुआ है, डायस लिखा हुआ है, मतलब जहां से वक्ता बोलते हैं जहां पर खड़ा होकर के, फिर पीछे कुर्सियां लगी हुई थी, प्रेस टेबल है, फिर चेयर है, और इधर लाइन से ये कुर्सियां फिर बनी हुई हैं। ये जहां जहां आप गोल देख रहे हैं इस नक्शे में, वहां पर झाड़ फानूस रोशनी का इंतजाम किया हुआ था, और ये जहां जहां गोल है आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ एंट्रेंस है, मतलब एंट्री यहाँ से हो रही थी। फिर इस नक्शे में लंबाई चौड़ाई वगैरह भी दर्ज है। तो ये नक्शा बनाया गया था, अदालत में पेश किया गया था ये नक्शा। इसी के साथ एक और फोटो देख लीजिए, जो ओरिजिनल फोटो है ट्यूडर रूम का, मतलब जिस रूम में, जिस कमरे में उधम सिंह ने डायर को मारा था, उसके तुरंत बाद ये फोटो ली गई थी। जब वहां से लोग निकल गए थे, वो कमरा खाली कर दिया गया था और कुर्सियों को एक तरफ कर दिया गया था, ये वो फोटो है। आप देखिए इस फोटो को, ये कुर्सियां सब एक तरफ की हुई हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी कुर्सियों पर कुर्सियां रखी हुई हैं, और ऊपर जो मैप में पहले हम लोग देख रहे थे झाड़ फानूस लगा हुआ था, ये जो झूमर टंगा हुआ था, ये बल्ब लगे हुए हैं, ये आप उन्हें भी नक्शे में देख सकते हैं। तो कैक्सटन हॉल और फिर ट्यूडर रूम जहां पर कार्यक्रम हो रहा था, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फिर से आते हैं कार्यक्रम पर। कार्यक्रम की शुरुआत होती है और सबसे पहले मंच पर आते हैं पर्सी साइक्स। से प्रवेश कराने के लिए, भूमिका अपना विषय बताने के लिए ये मंच पर आते हैं पर्सी साइक्स, और वो करीब 45 मिनट बोलते हैं, और उसी दौरान परिचय देते हैं जो कार्यक्रम के पहले वक्ता थे, चेयरमैन लॉर्ड जेटलैंड। लॉर्ड जेटलैंड ने करीब 10 मिनट भाषण दिया, और उसके बाद माइकल ओ डायर ने अफगान विद्रोह और विश्व युद्ध के बाद पंजाब में दंगों पर बात की। इसके बाद आंड्रे मालन नाम है, इसके बाद ऑड्रे मालन कुछ मिनट तक आकर के बोलती हैं, और सबसे अंत में लुइस डेन ने 10 मिनट तक भाषण दिया। इतने लोग जब बोल चुके तो लॉर्ड लेमिंगटन ने लॉर्ड जेटलैंड को कहा कि अब ये कार्यक्रम बंद कीजिए, सब लोग बोल चुके हैं, मैंने इशारा किया या धीरे से उन्होंने कहा होगा कि अब हो गया। तो फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया, लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली, विशेषज्ञ बड़े बड़े वक्ता आए हुए थे, इसलिए भी सुनने को जाहिर सी बात है कि सीट से अधिक भीड़ लगी, जबकि टिकट पर एंट्री थी। और कुछ लोग बधाई देने के लिए, सफल आयोजन की बधाई देने के लिए आगे बढ़े, उसी भीड़ में शामिल थे उधम सिंह भी, नीले रंग का सूट पहने हुए और भूरे रंग की टोपी पहन रखी थी। आगे बढ़ते हैं, उनके दाहिने हाथ में रिवाल्वर था और उन्होंने 6 गोलियां चला दी वहां मौजूद 4 अधिकारियों पर, 4 अंग्रेज अधिकारियों पर, जो बड़े अंग्रेज अधिकारी थे जो वक्ताओं में शामिल थे। दस्तावेजों के अनुसार गोली मारने के बाद उधम सिंह ने वहां से निकलने की कोशिश की, उन्होंने कहा भी कि हटो रास्ता दो, लेकिन भीड़ काफी थी, बहुत तेजी से कोई वहां अचानक कहीं, जाहिर सी बात है कि भगदड़ मच गई होगी, शोर मचा होगा, एक दूसरे से लोग टकरा रहे होंगे, और निकलने का एक ही दरवाजा है, और वहां भी वो अभी दरवाजा बंद था, तो उसी में लोग थे, काफी अधिक हंगामा सा मचा हुआ था, और उसमें निकलने की कोशिश कर रहे थे उधम सिंह निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक महिला जिसका नाम था बर्था हीरिंग, वो कूदती है उधम सिंह पर और उनको कंधे से पकड़ लेती है, जकड़ लेती है उधम सिंह को, और
वो अभी छूट भी नहीं पाए थे उधम सिंह कि तभी उन पर विंडहैम हैरी रिचेस नाम का एक अधिकारी कूदता है उधम सिंह पर और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर गिरते ही उधम सिंह का हाथ कुर्सी से टकराता है जिस हाथ में रिवाल्वर था और रिवाल्वर उनके हाथ से छूट जाता है। दूसरी ओर उधम सिंह जब जमीन पर गिरे तो वहां उन्होंने फिर कोई विरोध नहीं किया, वैसे ही पड़े रहे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। बर्था हीरिंग के बारे में भी एक लाइन जान लीजिए कि बर्था हीरिंग ने चूंकि उधम सिंह को पकड़वाने में बहादुरी दिखाई और अहम भूमिका निभाई तो उसे 6 अगस्त 1940 को किंग जॉर्ज सिक्स ने सम्मानित किया इस काम के लिए कि उधम सिंह को पकड़ने में मदद की है, बहादुरी का इनाम दिया गया, सम्मान दिया गया। इस महिला की यानी बर्था हीरिंग की 1976 में मृत्यु हुई थी। उधर उधम सिंह के गिरने के बाद फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिया मैक विलियम नाम का एक इंस्पेक्टर था उसने, और फिर खड़ा किया गया उधम सिंह को। पुलिस ने घेर लिया चारों तरफ से। उस समय उधम सिंह शांत थे बिल्कुल और मुस्कुरा रहे थे। मैक विलियम उनसे पूछता है, डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, अंग्रेजी जानते हो? उधम सिंह ने कहा यस, हाँ। मैक विलियम आगे कहता है कि अब भविष्य में आगे की पूछताछ के लिए आपको हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ की जाएगी। इसका जवाब देते हैं उधम सिंह और कहते हैं कि इसका कोई अब माने मतलब नहीं है, जो हमको करना था वो कर चुके। और जहां पर माइकल ओडायर की लाश पड़ी हुई थी उसे देखते हुए उधम सिंह अपना सिर से इशारा करते हुए, हाथ तो उनका पकड़ा हुआ था पुलिस वालों ने, तो सिर से इशारा करके बताते हैं कि यही वो है, मतलब जिसे मैं मारना चाहता था ये वही आदमी है। खुफिया विभाग का एक इंस्पेक्टर था रिचर्ड डेटन, उसने लिखा है, बताया है अपने बयान में कि एक कमरे में उस कैदी को हिरासत में रखा गया था, जब मैं गया तो वो शांत था और मुस्कुरा रहा था। और फिर अब बारी आती है पुलिस की कि वो उधम सिंह का पूरा बयान ले। जो उनका बयान है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक की बात कि उधम सिंह ने मारा ओडायर को, जिन चार लोगों पर उन्होंने गोलियां चलाई हैं उन सबके बारे में भी जानेंगे कि वो वास्तव में वो चारों, ओडायर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है वो पंजाब में आदमी डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा है, बाकी जो और तीन लोग थे वो कौन थे और उनमें से किसका और क्या हाल हुआ उन गोलियों के चलने पर, वो आगे के वीडियो में वो सब भी देखेंगे। अभी सारी कहानी बाकी है। इस वीडियो में उस दिन हॉल में जो हुआ था और दस्तावेजों में जो अंकित है और फिर हॉल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुलिस जब हिरासत में ले लेती है उधम सिंह को तो फिर उनसे बयान लेती है और वो उनका पूरा बयान जो अभी दस्तावेजों में संकलित है, जिन पर हस्ताक्षर हैं उधम सिंह के, उन्होंने अपने बयान में उधम सिंह ने क्या कहा। साथियों आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है और इस श्रृंखला में और आप क्या चाहते हैं। अगर यह श्रृंखला नहीं अच्छी लग रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, अगर अच्छी लग रही है तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।